going to the next award. Most promising friendly pest control company in Gujarat, and it goes to Ecosure High Gear Solutions Private Limited. May I please direct Mr. Bharatkumar Gelot and area manager Mr. Suresh Kumar Gelot to be on the stage. Company started in 2012 by a simple man, Mr. Bharatkumar Gelot. He deployed his small business named Ecosure High Gear Solutions Private Limited into a big company of 7 branches across Gujarat now, and they plan to open offices in all parts of the country in the near future. और सब्जेक्ट पर अभी मैंने मैडम से भी बात किया। अपने खुद बिजनेस मैंने किसी भी तरह अपना पैसा कमा लेते हैं, लेकिन दोस्तों आज किसान की हालत हर कोई जानता है दोस्तों, तो थोड़ा उसके बारे में मैं थोड़े दिन में कुछ टॉपिक लेके आ रहा हूँ। उस पर मैं खुद मैडम से भी अपॉइंटमेंट लिया है, मैं उनसे मिलूंगा। और क्योंकि किसान की हालत इतनी बिगड़ी जा रही है सुसाइड होने पर, तो दोस्तों मैं चाहता हूं आप खुद बिजनेसमैन हो तो उस पर थोड़ा किसान के लिए एक बार जोरदार उनके लिए यहां बैठे बैठे क्लैप करिए, क्योंकि वो है तो आज हम हैं। सुबह शाम की रोटी हमारे घर पे आ रही है बिकॉज ऑफ किसान। मैं खुद एक फार्मर का बेटा हूं, हम लोगों को पता है किस तरह कैसे होता है, कितनी फसलें आती है दोस्तों। गवर्नमेंट नो डाउट अच्छी पॉलिसी लाती है, सॉरी फॉर मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है। किसान जब फसल उगाता है तब भी मरता है, बेचता है तब भी मरता है। मैं भी आपको बेस्ट एग्जांपल दे दूं दोस्तों, जब खरीदने जाता है सीड 3000 रुपए केजी होता है तो उनको मिलता है 900 ग्राम, लेकिन उनके पास से पैसा लिया जा रहा है 1 केजी का। जब बेचने जाता है कोई फसल 20 केजी का होता है तो उनके पास से 21 केजी का वसूल लिया जाता है फसल। तो दोस्तों ये डिफरेंस है, आप खुद सर्च कर लेना, कहीं भी सीड लेने जाओ ऊपर लिखा होगा 1 केजी लेकिन नैरो में लिखा होगा 150, ऐसा कुछ माइनर कट ऑफ होता है। वो प्लास्टिक का पैकिंग भी हम लोगों को देते, लेकिन जब हम लेने जाते कोई भी सीड कोई भी रासायनिक खातर तो उनमें वो कट ऑफ होता है। हम जब लेने जाते देने जाते तो हमारे पास से परफेक्ट वेट लिया जाता है, लेकिन हम जब लेने जाते उनसे सीड या कुछ भी तो हम कभी वेट नहीं करते, क्योंकि हम किसान हैं, भरोसा करते सामने वालों पे। इसी तरह मैं बस इतना ही कहता हूं कि कहीं भी आप किसान के कुछ हो सके तो थोड़ी सी हेल्प कर लो, क्योंकि आज के किसान की हालत 50,000 के लिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। अपने 50,000 के लिए वो अपने लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसान के लिए लोन पे नहीं कर पाता दोस्तों तो सुसाइड कर लेता है। तो मैं दो हाथ जोड़कर सभी बिजनेसमैन को और भारतवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप किसान के लिए थोड़ा सोच लो, थोड़ी उनको हेल्प कर लो। धन्यवाद, जय हिंद। रियली ग्रेट इनसाइट, कंग्रेचुलेशन अगेन फॉर द अवार्ड।